रहे हैं रोहित कुमार जी, मैं उनको इस फिल्म के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा। और टाइटल भी बहुत यूनिक उन्होंने रखा है, आठवां फेरा, क्योंकि सभी जानते हैं कि फेरा साथी होता है। तो अब ये पिक्चर में क्या है ये तो देखने लायक होगा कि आठवां फेरा है क्या। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी इनका मैंने एक बार सुना था, तो अच्छा कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है। तो मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा इनके फिल्म के लिए। अभी रिलीज पे है, इसी महीने रिलीज हो रही है लुटेरे, मिथिला टॉकीज के मनोज चौधरी जिनके प्रोड्यूस किए हैं। उसके बाद है दुर्गा पूजा में बाप रे बाप है, और उससे पहले भिन तेरे वो साथी रे है, उसके बाद रानी हम गई त्योहार है। तो ये अभी इस साल की मूवी है जो रिलीज पे है। और अगले महीने हम लोग शूट पे जा रहे हैं, लंका फिल्म है जिसमें मैं अंजना सिंह काम कर रहे हैं, विलन में बालेश्वर जी हैं जिसे राजेश गोरखा जी डायरेक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद है प्रहार जिसमें मैं और रवि किशन जी हैं जिसे पप्पू खन्ना जी डायरेक्ट कर रहे हैं। ये बात कीजिए संजय श्रीवास्तव जी जो कि इस मूवी में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, बिल्कुल क्या उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? संजय जी के लिए तो हमेशा से मेरे लिए शुभकामनाएं रही हैं। संजय जी को कौन नहीं जानता है, उनकी अच्छी अच्छी फिल्में मार्केट में है और रिलीज हुई है। तो इस फिल्म में काफ़ी उनका योगदान है आठवां फेरा में। तो अभी उन पर तो मुझे पूरा फेथ है कि वो एक अच्छी फिल्म बनाएंगे। तो उनको भी मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।